आजमगढ़ पुल के नीचे तमसा नदी में उतराया मिला महिला का एक सप्ताह पुराना शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बैथौली पुल से नीचे तमसा नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव नदी में ही झाड़ी में फंसा था। लोगों की भीड़ पुल पर जमा हो गई। इसी में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शव एक सप्ताह पुराना लग रहा है। शव काफी फूल गया था। प्रतीत हो रहा है कि महिला की मौत के बाद शव को नदी में प्रवाहित किया गया है। फिर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। तमसा नदी में एक उतराया हुआ शव बरामद हुआ है, तो क्या सब पहचान हो सकी है और क्या जानकारी? कोतवाली क्षेत्र में बैठौली पुलिया के नीचे तमसा नदी से एक महिला का शव बरामद हुआ है, जो लगभग एक सप्ताह पुराना देखने में लग रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के उपरांत इसको वहाँ पर बहाया गया है, परंतु फिर भी अत्यातन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी उम्र लगभग होगी सर? एक सप्ताह से ज़्यादा पुराना शव है, लगभग एक सप्ताह पुराना, तो निर्धारित उसी के आधार पर पोस्टमार्टम के हिसाब से इसमें होगा।